अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे खट्टी सी और तीखी सी टमाटर की चटनी, जो कि सबके घर में बनती होगी और बहुत ही आसान होती है। जब कुछ ना बनाने का मन करे तो हम टमाटर की चटनी बड़ी आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, लहसुन और तेल बघार के लिए, जो कि हमने बघार दिया है और अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम बारीक कटी हुई एक प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक कटी हुई, जैसे कि हम अंडे की भुर्जी में कटिंग करते हैं ऑनियन, बिल्कुल उसी तरीके से। और इसको हमें सॉफ्ट करना है, ऑनियन को रेड नहीं करना है। बहुत ही आसानी से ये चटनी बन जाती है और दाल चावल के साथ तो बहुत ही बेहतरीन लगती है चटनी टमाटर की। और टमाटर हम थोड़े ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि हमारी चटनी खट्टी सी बने और तीखी सी बने मिर्ची वाली। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी प्याज फ्राई हो रही है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें और बारीक कटे हुए 5 से 6 टमाटर। और ये टमाटर हमारे बिल्कुल रेड है, इसके लिए बहुत ही अच्छी चटनी, स्पाइसी और बहुत ही खट्टी सी चटनी हमारी बनेगी। अच्छे से आप इसे मिक्स करिए और 5 से 10 मिनट तक इसे फ्राई करिए स्लो फ्लेम पर। और अब ऐड करेंगे हम हल्दी, मिर्ची और नमक। ये देखिए, बिल्कुल भी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है टमाटर का, और प्याज का पानी अपने आप ही छूट गया है। और इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसे हम 5 से 10 मिनट तक दम पे लगाएंगे ताकि हमारे टमाटो बहुत ही अच्छी से सॉफ्ट हो जाए। फिर हम चेक कर लेंगे 5 मिनट के बाद। देखिए, माशाल्लाह से चटनी हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। और थोड़ा सा और 5 मिनट ये पकेगी। और प्याज को हम और टमाटर को थोड़ा सा मैश कर लीजिए स्पून की ही हेल्प से। देखिए, थोड़ी 5 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, माशाल्लाह से भुन चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। हमारी खट्टी सी तीखी सी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। आप देख सकते हो माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। और कोरिएंडर लीव्स जब हमने ऐड किया तो इसकी टेस्ट बहुत जायकेदार हो गया है। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।